उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरनगर से। जिला कारागार मुजफ्फरनगर में बहुत कम समय में बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। नतीजा यह है कि मुजफ्फरनगर कारागार की पहचान एक आदर्श और उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हो रही है। तो इसके पीछे जेल अधीक्षक सीताराम अशमा एवं उनकी टीम के अथक प्रयास शामिल हैं। उपरोक्त विचार प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने एक वर्ष पूर्ण होने पर जेल अधीक्षक सीताराम अशमा के लिए कहे। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ बड़े कार्यक्रम हुए और बंदियों को जागरूक किया गया तथा सख्ती की गई, ताकि नशा जेल के अंदर ही न आ सके। लगभग पूरी तरह जेल नशा मुक्त हुई है। एक साल में जेल का माहौल बहुत बदला है। धार्मिक आयोजनों से भी बंदियों में बड़ा परिवर्तन हुआ। अधीक्षक सीताराम अशमा के अथक प्रयासों के चलते राज्यपाल महोदया और स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज का आगमन हुआ। इस अवसर पर बोलते हुए जेल अधीक्षक सीताराम अशमा ने कहा कि महिला बंदियों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से कौशल विकास के तहत बैग आदि बनाने का काम चल रहा है। भजन कीर्तन मंडली और योगा मित्र की टीम तैयार की गई, जो बंदियों के मानसिक और शारीरिक उत्थान के लिए काम करती है। समय समय पर जेल में बंदियों के कल्याण हेतु कवि सम्मेलनों एवं योग शिविर का आयोजन किया जाता रहता है। बंदियों के लिए शिकायत पेटियों को लगाया गया, जो जेल की छोटी छोटी सूचनाओं का महत्वपूर्ण आधार बनी, तथा की सभी जानकारी इसके माध्यम से जेल प्रशासन को मिलने लगी और मोबाइल और नशे के खिलाफ एक बड़ी पहल साबित हुई। आज कहा जा सकता है कि मुजफ्फरनगर जेल पूरे प्रदेश में एक आदर्श और उदाहरण बनी हुई है। तो इसके पीछे सीताराम अशमा की बड़ी मेहनत है, जिसमें उनको जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव का भरपूर सहयोग एवं साथ मिला। मनीष चौधरी ने कहा कि ऐसे अफसर वास्तव में बधाई के पात्र होते हैं, जो निष्ठा लगन एवं ईमानदारी से काम करके अपने कामों से अपनी पहचान बनाते हैं। जेल अधीक्षक सीताराम अशमा को एक साल गौरवपूर्ण तरीके से पूरा करने पर उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे तथा प्रतिसार निरीक्षक मोहम्मद नदीम को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। आज के इस सुंदर सम्मान समारोह में लिटिल सिंगर देवांश पाल एवं सतपाल सिंह ने देशभक्ति एवं धार्मिक भजन का आयोजन किया। इस मौके पर कृष्ण पाल चौधरी, भारत लोक सेवक पार्टी, नवीन कश्यप, हंसराज कश्यप, विक्की चावला, सुरेंद्र मित्तल व गणमान्य लोगों को देखिए मान्यगौर, ये कार्यक्रम आज हमारे एक उस इंसान के लिए हुआ जिसने अपने देश सेवा के लिए हमेशा प्रण अपने मन में रखा, और हमारे जिला जेल जो कि जहाँ पर इतने बंदियाँ बंद होते हैं, कोई अलग अलग जुर्म करके आता है, लेकिन उनकी भावना को देखते हुए हमारे जिला जेल सीतारामन जी अपने जेल की वो छवि बनाई है जो कि भारत में इस समय 5वें नंबर पर आ रही है। और कहीं ना कहीं जेल में जो इन्होंने कैदियों के लिए, महिला कैदियों के लिए पुस्तकालय बनाकर के जो एक रिकॉर्ड कायम किया है, इसके लिए स्वयं माननीय राज्यपाल जी ने यहाँ पर आकर निरीक्षण भी किया और यहाँ पर अपनी जेल में कोई किसी तरह की कमी नहीं पा गई। यही हमारे बीच में स्वामी अवधेशानंद जी भी आए थे, और कहीं ना कहीं ये सम्मान और गौरव जो हमारे मुजफ्फरनगर में हमारे अधिकारी को मिल रहा है, वो इसलिए क्योंकि वो इस लायक हैं। अगर कोई जो आदमी कुछ कार्य करता है तो वो हमारे दिल में और हमारे मुजफ्फरनगर के वासियों में तन मन धन से हमेशा सहयोग प्रशासन का करता है। इसी कड़ी में आज एक पहल हमने मुजफ्फरनगर में की है, अपना राष्ट्रीय ध्वज जो कि हमारे देश की शान और हमारी आन है, तिरंगा ध्वज, जो कि आज सम्मान के रूप में दोनों अधिकारी हमारे RIP साहब भी आए हुए हैं, दोनों अधिकारी को दिया गया कि 15 अगस्त पर वही तिरंगा फैलाकर के देश में एक प्यार और मोहब्बत का पैगाम दें। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत। जी, विगत एक साल में हम लोगों ने जिला प्रशासन के सहयोग से, मुख्यालय शासन के सबके सहयोग से, जो जेल की एक संकल्पना होती है सुधार गृह के रूप में, उसको चरितार्थ करने की कोशिश की है। और यहाँ प्रयास किया है कि जो भी बंदी जेल में आता है, चाहे वो पेशेवर अपराधी हो या फिर परिस्थितिवश कोई अपराध किया हो, वो आकर यहाँ प्रायश्चित कर पाए और अपने आप को एक बेहतर मनुष्य बना के वापस जाए, जो समाज की धरोहर के रूप में हो और समाज की विकास संकल्पनाएँ समाज को आगे ले जाने में अपना योगदान दे सके, ये संकल्पना रहती है। इसके तहत हमने लाइब्रेरी का भी वहाँ पर एक स्थापना की है, जिसमें पुस्तकें पढ़कर व्यक्ति अपने आप को परिमार्जित कर पाए और प्रायश्चित के लिए भी
इस तरह का योग प्राणायाम और आध्यात्मिक वातावरण भी वहाँ पर क्रिएट किया है, जिससे मनुष्य अपने आप का विश्लेषण कर पाए और ये ध्यान दे पाए कि कहीं उससे गलती जो हुई है वो किन परिस्थितियों में हुई और कैसे उनका सुधार करके बेहतर मनुष्य बना जा सकता है। आज आपका स्वागत समारोह भी हुआ है जी, ये यहाँ की जनता का प्यार है और मैं निश्चय ही बहुत अभिभूत हूँ कि एक प्रशासनिक अधिकारी को यहाँ की जनता इतना स्नेह दे रही है और बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के यहाँ की जनता।